हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज मेरे साथ है बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर जिनका नाम है योगीश राहत सावरकर और अब इनके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो चलिए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं वेलकम यूगी जी थैंक थैंक यू यू अलीशा सो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपने प्रोड्यूसर क्यों चूज किया आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इस इंडस्ट्री में आने के लिए आप स्मार्ट भी हैं तो मे बी आप यू नो आपके माइंड में कभी तो आया होगा कि मैं हीरो भी भी बन बन सकता सकता एक्टर प्रोड्यूसर देखिए मेरे दिमाग में एक ही चीज़ नहीं आई है कि मैं एक्टर भी बन सकता <laughs> एक्टर मेरी मेरी जो सोच है मेरी ये सोच है कि एक्टर फेस से नहीं बनता स्मार्टनेस से नहीं बनता एक्टर बनता उसकी एक्टिंग से उसकी स्किल से और वो स्किल्स काफ़ी एक्टर्स के पास नेचुरल होते हैं और कुछ डेवलप करते हैं काफ़ी इंडस्ट्री में हमने जो बड़े लेजेंड हैं कुछ हैं वो शक्ल से अच्छे नहीं थे बट आर्टिस्ट वाइज उनकी एक्टिंग वाइज उनका लेवल अलग गया है तो और वो स्मार्टनेस उसमें नहीं आ रही बट हाँ आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा प्रोड्यूसर क्यों बने तो मेरा अपना खुद का बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए प्रोड्यूसर मीन्स मनी मनी मीन्स बिजनेस तो और सेकेंड आप मेरा जो पहले वाला फील्ड है वो मेरा कंस्ट्रक्शन का फील्ड रहा है जहाँ पे मैं लोगों को घर बना के दे रहा हूँ डेवलपर का फील्ड रहा है तो घर भी एक सपने से स्टार्ट होता है फिल्म भी एक सपना है

और मेरे को नहीं पता था कि मेरे को मेरी डेस्टिनी है यहाँ तक लेके आएगी काफ़ी पड़ाव देखे हैं छोटे शहर गाँव से छोटा शहर छोटे शहर से मीडियम शहर फिर दिल्ली आज मैं बॉम्बे तो हर बार लगता है कि जीवन की शुरुआत आप जीरो से कर रहे हो दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो बस सभी जो जर्नी चल रही हम उसको इन्जॉय कर रहे हैं और उसमें आप अपना बेस्ट दे रहे हैं so, सो आगे आपके न्यू प्रोजेक्ट्स में हम कौन से एक्टिव के साथ आप देखिए वो तो डिपेंड करेगा हमारा कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है और उस स्क्रिप्ट पे कौन एक्टर फिट बैठ रहा है क्या करेक्टर की डिमांड है तो उस चीज़ पे वो डिपेंड करेगा और आप स्क्रिप्ट कैसे चूज करते हैं आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस स्क्रिप्ट ये सही है मैं इसे प्रोड्यूस कर ये कैसे डिसाइड होता है स्क्रिप्ट में आप अपना एक्सपीरियंस लेके आते हो लाइफ का मैं देखिए जो स्क्रिप्ट राइटर का, का काम है वो स्क्रिप्ट राइटर का काम स्क्रिप्ट लिखना होता है और उस काम में आप क्या अपना आउटपुट दे सकते हो सपोज़ करो कल को मेरे से कोई ये पूछे कि आप लव स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूट करोगे शायद मैं नहीं कर पाऊँ लेकिन कुछ चीज़ें सीरियस होती हैं लाइफ में कुछ रियलिटी होती हैं कुछ प्रैक्टिकलिटी होती हैं जहाँ पे एक आप अप, एक अप्रोच अंडरस्टैंड करते हो दूसरे इंसान की तो शायद मेरा कंट्रीब्यूशन वहाँ पर जाएगा